हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एंजल वन में एक डीमैट अकाउंट ओपन करके प्रीप कॉस्ट आप लाइफ टाइम कैसे अर्निंग कर सकते हो, इसमें रैपर और अर्न करके कैसे अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसमें जो एक ऑफर भी चल रहा है अभी कि 5,000 प्लस आपको 2,000, यानी आप बंदों को रैपर करके 2,000 का तो वाउचर मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में यदि आप जीतते हो तो 5,000 तक भी जीत सकते हो। कैसे इसमें जो इनवाइट करना है, कैसे इसमें रैपर करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं दिमाग में कि जो इसमें 100% मिलेगा पैसा, क्योंकि बहुत से बंदे ऐप्स होते हैं, बहुत से ऐसे फ्रॉड ऐप्स होते हैं जो आपको पैसा नहीं देते, लेकिन ये ऐप्स बहुत ही एक लार्जेस्ट ऐप है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऐप्स है जो आपको लाइफ टाइम अर्निंग देने वाला है। इसमें यदि आपने बंदों को भी रेफर किया 10-12 बंदों को, तो कहीं नहीं गए आपके 10-12,000-15,000 रुपए। तो इस वीडियो को पूरा अंत देखना, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे एक डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इसमें कैसे जो रेफर करोगे, रेफर करने के बाद जो पैसा होगा वो कैसे आपके बैंक अकाउंट में आएगा, पूरा प्रोसेस आपको लाइव स्टेप स्टेप बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो मैं आपको चीजें बताऊंगा इसे स्टेप स्टेप फॉलो करना है। और जी हाँ, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया आपने तो अब भी ज्वाइन कर देना, क्योंकि जो भी दिक्कत होती है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है जो आपके डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई भी XYZ जो भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे उस ग्रुप में जाके सेंड कर सकते हो, मैं जरूर आपकी हेल्प तुरंत करूंगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, अभी आपको पूरा जानकारी इसमें बताते हैं। तो सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरी ये जो इस जो एप्स की लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा इसे स्टेप फॉलो करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे जैसे ही, तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो डिटेल पूछी जा रही है वो स्टेप फॉलो करनी है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा इसे स्टेप डालना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सो गाइस, सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहोगे, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो इस इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो आपका फुल नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे आपका जो भी नाम है देवेंद्र सिंह है, तो जो भी आपका नाम है पूरा आपको डाल लेना है। अब ये डालने के बाद आपको जो आपका मोबाइल नंबर है ना, आधार कार्ड और बैंक से लिंक नंबर, वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। डालना इसके बाद में OTP आएगा, OTP आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे OTP आता है तो OTP आपको डाल के वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई आप करने के बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपके आसपास में सिटी आ रही है ना उसे चूज कर देना। उसके बाद में उसको डाल के नेक्स्ट करना है। अब आपको देखो यहाँ पे जो नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ओपन एंड अकाउंट एक ऑप्शन देखने को मिला है, और कंटिन्यू एक्सेसिंग योर आपका एप्लीकेशन। तो देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ओपन ए अकाउंट पर क्लिक करना है, न कि उस पर क्लिक करना है, ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है, जिससे आपका जो अकाउंट ओपन हो जाएगा। और यदि जो बाय चांस आप किसी जो कारणवश आप यहाँ पूरा आधार कार्ड तक पहुँचे हो, आधार अपडेट कर रहे हो वहाँ तक पहुँचे हो, और बाय चांस उसका रिजेक्ट हो जाता है, या बाय चांस आप वहाँ पे बैक कर देते हो, बैक बटन दबा देते हो, तो ऐसे ही आपको करना है और कंटिन्यू पे दबा के नेक्स्ट कर देना है। तो जो भी आप जहाँ पे स्टेप छूटी है वहाँ से शुरू हो जाएगा। अब हम आपको ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। ओपन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके DOB चेक की जाएगी, और आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल ID डालनी है। ये सब डालने के बाद उसको वेरीफाई कर देना, वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। देखो हमने ये सब चीज़ें डाल दी हैं, अब प्रोसीड पर ऑप्शन क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करोगे तो कई बार देखो यहाँ पे ईमेल ID वेरीफाई भी होती है, तो टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप ईमेल ID वेरीफाई कर देना, उसके बाद में नेक्स्ट कर देना। अब आपको यहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर पूछे जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपके हैं वो आपको डाल देना है। देखो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर और आपके ISO कोड डालोगे ना, तुरंत आपके जो 1 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी आपका एक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो आपका ही अकाउंट है या नहीं है। जैसे आपका जो अकाउंट वेरीफाई होगा, तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट किया गया। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाले हैं, ISO कोड डाला है, उसके बाद प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला है फ्री अकाउंट अभी ओपनिंग हो रहे हैं, तो फ्री पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे अभी आपको डिजिटल लॉकर के हिसाब से देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका आधार कार्ड है जो आपके ऑनलाइन वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले आपको टिक करना है इस पे, सबसे पहला जो आपका काम है इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे जो और भी डिटेल पूछी जा रही है, तो सबसे मेरा काम आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको टिक कर देना पहले पे, और उसके बाद शेयर योर KYC पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो कुछ इंटरफेस ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा। KYC वेरीफाई करने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर डालने जरूरी है। आधार कार्ड जो भी आपका नंबर है वो आपको डाल देना है, उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। देखो हमने आधार कार्ड नंबर डाले, जैसे ही OTP आएगा OTP आपको वेरीफाई कर देना है। हमारे पास OTP आ गया है, OTP यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर OTP डाल देना है, उसके बाद वेरीफाई कर देना। OTP आ जो जैसे आता है उसके बाद डालने के बाद कंटिन्यू करोगे, जैसे ये आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अलाउ परमिशन देनी है। जितनी भी आपकी जो परमिशन मांगी जा रही है वो आपको अलाउ कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे आपको जो भी पूछी, यानी इनकम वगैरह पूछी जा रही है, तो जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको भर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बेसिक है सब चीज़ आप यहाँ पे भर देना। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो भी काम है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बंदे बहुत से जो घबरा जाता है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा पैन कार्ड,
यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड की फोटो क्लिक करो, इसमें डालो और अपलोड करो। देखो भाई लोगों, पिछली बार मुझे जो वीडियो में कमेंट आया है कि भाई यार क्या इसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, बैंक अकाउंट नंबर है, ये जो क्या को अपलोड करना जरूरी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपको कोई जरूरी नहीं है। अब आपको बताता हूँ, देखो पैन कार्ड का जो आपने फोटो क्लिक किया है वो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑनलाइन भी क्लिक कर सकते हो, चाहो तो आप गैलरी में जाके भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हमने गैलरी में ऐड किया, पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद आपको दूसरे जो आपको दिख रहा है सिग्नेचर, व्हाइट पेपर लेना है, उस पर सिग्नेचर करना है आपके, उसके बाद फोटो क्लिक करना है और उसको भी अपलोड कर देना है। अपलोड ये हमने कर दिया, दोनों का जो फोटो हमने अपलोड किया उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना। देन स्टेटमेंट इसमें अपलोड करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे ना, तो सो गाइस सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, आपको मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, NSDL जो आधार कार्ड वेरीफाई करना। तो सबसे ऊपर जो आई हेयर दिख रहा है ना, आई हेयर बारे आपको वहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डाला है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद OTP आएगा, OTP आपको डालना है, उसके बाद वेरीफाई कर देना। ये आपका अकाउंट है ऑलरेडी सक्सेसफुली हो चुका है ओपन। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप फॉलो करनी है। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें अलाउ कर दी परमिशन और आपका कैमरा ऑन होगा। कैमरा ऑन होने की जैसे ही आपका 10 सेकंड तक ऑन रखना है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऑन ही रहने देना है, आपका ऑटोमेटिक वीडियो शूट हो जाएगा। ये है जो वेरीफाई करने के लिए होता है, एक अथॉरिटी जो होता है पर्सन की, जो आप अकाउंट बना रहे हो ना जिस बंदे का, उसका फेस आपको कैचअप किया जाता है। ये एक आप ये देख सकते हो कि सेल्फी होती है, वो आपको अपलोड करनी है। एप्लीकेशन का आ गया और जो भी आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड भी हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटमेंट आपको 2-3 दिन के अंदर आपका अकाउंट नंबर और ये लॉगिन करने के पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल के थ्रू और आपके मोबाइल नंबर के थ्रू मेल दिया जाएगा, ठीक है। ये जैसे जैसे ही आपको मिलेगा ना, और जो आपका ये मैं आपको बता रहा हूँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जैसे ही मिलता है तो आपको ऐप्स को डाउनलोड करना है। तो सो गाइस, बस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, क्योंकि जो भी जानकारी होती है टेलीग्राम में ज्वाइन होती है वहाँ पे भी बताता रहता हूँ, और जो भी ऐप्स होते हैं वहाँ पे भी आपके लिए होते हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।